पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। एक बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाला क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में चुनाव लड़कर लोकसभा जाएगा? राहुल गांधी जी, शर्म नहीं आती आपको? राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये न्याय है आपका? पवन खेड़ा साहब, आपकी अगर बच्ची होती आसिफा, क्या तब भी आप इस तरह से मुस्कुरा के और हंस कर उसको माला पहना रहे होते? अलविदा आसिफा कहकर एक नज्म पढ़ के लाखों रुपए कमाने वाला नेता, लाखों रुपए कमाने वाला शायर, उस वक्त तो तुम आसिफा के साथ थे, आज तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। जब इस तरह के बलात्कारियों के समर्थन करने वाले लोग, बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और टिकट लेंगे, मुसलमान बच्ची के खिलाफ बलात्कारियों के साथ खड़ा होने वाला आपकी पार्टी में, कैसे परमिशन दे दी आपने चौधरी लाल सिंह को पार्टी में लेने की? और इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, इनकी आवाजें बंद हैं? मैं जनता से कह रहा हूं कि जहां भी कांग्रेस के मुसलमान नेता दिखें, बढ़िया वाले टमाटर और सड़े हुए अंडों से इनका स्वागत कीजिए। एक मासूम बच्ची के कातिल के साथ खड़े हुए लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है। आप न्याय करेंगे भारत में? आप न्याय यात्रा निकालेंगे? माफी मांगिए देश से, चौधरी लाल सिंह को फौरन इस पार्टी से आउट किया जाए। राहुल गांधी जी, अपने फैसले पे गौर कीजिएगा। प्रियंका जी, अपने फैसले पे गौर कीजिएगा। सोनिया जी, अपने फैसले पे गौर कीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने फैसले पे गौर कीजिएगा। मुसलमानों की पूरी कौम को थप्पड़ मारा है कांग्रेस ने। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाली कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चौधरी लाल सिंह को शामिल किया गया है। दरअसल ये वही चौधरी लाल सिंह हैं जो कठुआ में आसिफा के साथ हुई बर्बरता के आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली थी और उन बलात्कारियों का समर्थन कर रहे थे। अब वही चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है और जम्मू से चुनाव लड़ाने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी पर अब MIM पार्टी के आसिम वकार ने जमकर निशाना साधा है। आसिम वकार ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यही न्याय है? बलात्कारियों के समर्थन करने वाले लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। MIM पार्टी के सैयद हासिम वकार ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर भी हासिम वकार ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आसिम बकार ने, सुनिए। और आज कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को अपने में ज्वाइन कराने के बाद वादा किया है कि वो जम्मू से टिकट देंगे। राहुल गांधी जी, शर्म नहीं आती आपको? प्रियंका जी, शर्म नहीं आती आपको? राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये न्याय है आपका? ये न्याय है आपका? ये कैसा न्याय है कि एक बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाला मुस्लिम बच्ची, नाबालिग बच्ची, 8 साल की मासूम बच्ची के बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा रैली निकालने वाले आदमी को कांग्रेस न्याय यात्रा दे रही है और न्याय कर रही है उसके साथ? आपको शर्म नहीं आती? मैं प्रियंका गांधी जी से पूछ रहा हूं, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक लड़की हैं, आपके भी बच्चे हैं, क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में चुनाव लड़कर लोकसभा जाएगा? पवन खेड़ा साहब, आपकी अगर बच्ची होती आसिफा, क्या तब भी आप इस तरह से मुस्कुरा के और हंस कर उसको माला पहना रहे होते? प्रियंका जी, अगर आसिफा बच्ची आपकी होती
तब भी क्या आप इस चौधरी लाल सिंह को पार्टी में शामिल कर लेती हैं? और कांग्रेस के मुस्लिम नेता अपने को मुसलमान मुसलमान कहकर, जब आसिफा का मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, तो अलविदा 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 आसिफा कहकर एक नज्म पढ़ के लाखों रुपए कमाने वाला नेता, लाखों रुपए कमाने वाला शायर, उस वक्त तो तुम आसिफा के साथ थे, आज तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। मैं अखिलेश जी से पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में आपके साथ कांग्रेस एलाई पार्टनर है, आपकी गठबंधन में है आप लोग, आप भी खामोश बैठे हुए हैं? जब इस तरह के बलात्कारियों के समर्थन करने वाले लोग, बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे और टिकट लेंगे, तो आप कैसे सामना करेंगे लोगों का? बिहार में तेजस्वी जी मुसलमानों को राहुल जी से पूछेंगे आप कि आपका यह न्याय है कि मुसलमान बच्ची के लिए, मुसलमान बच्ची के खिलाफ बलात्कारियों के साथ खड़ा होने वाला आपकी पार्टी में? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, यहां तो आप बहुत सुचिता दिखाते हैं, सभ्यता दिखाते हैं, कैसे परमिशन दे दी आपने चौधरी लाल सिंह को पार्टी में लेने की? और ये इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, इनकी आवाजें बंद हैं? मैं जनता से कह रहा हूं कि जहां भी कांग्रेस के मुसलमान नेता दिखें, बढ़िया वाले टमाटर और सड़े हुए अंडों से इनका स्वागत कीजिए। ये इसी काबिल हैं जो अपनी पार्टी में रहकर अपनी पद के लिए, अपने पैसे के लिए आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं। एक मासूम बच्ची के कातिल के साथ खड़े हुए लोगों को पार्टी में लिया जा रहा है। आप न्याय करेंगे भारत में? आप न्याय यात्रा निकालेंगे? माफी मांगिए देश से। और अखिलेश यादव जी, अगर आप ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और इस बलात्कारी का समर्थन करने वाले चौधरी लाल सिंह को बाहर नहीं किया गया, तो मुसलमान इस लोकसभा में करारा जवाब देंगे आपको, आपको भी देंगे, राहुल जी को भी देंगे, तेजस्वी जी को भी देंगे, आम आदमी पार्टी को भी देंगे। अगर आप चाहते हैं मुसलमानों का वोट, मुसलमानों का सपोर्ट, तो इस मासूम बच्ची आसिफा के बलात्कारियों का समर्थन करने वाले और बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकालने वाले चौधरी लाल सिंह को फौरन इस पार्टी से आउट किया जाए। राहुल गांधी जी अपने फैसले पे गौर कीजिएगा, प्रियंका जी अपने फैसले पे गौर कीजिएगा, सोनिया जी अपने फैसले पे गौर कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपने फैसले पे गौर कीजिएगा। और पवन खेड़ा तो बेशरम आदमी है, उनको शर्म नहीं आई, इतना हंस हंस के आप हार पहना रहे हैं। काश आपकी बच्ची होती आसिफा, प्रियंका जी काश आपकी बच्ची होती आसिफा, खड़गे जी काश आपकी बच्ची होती आसिफा, तो आपके दिल से भी पूछता मैं कि कैसे लगता है। काश आपकी बच्ची होती आसिफा, खड़गे जी काश आपकी बच्ची होती आसिफा, तो आपके दिल से भी पूछता मैं कि कैसे लगता है। पूरी कौम को आज आप लोगों ने थप्पड़ मारा है, मुसलमानों की पूरी कौम को थप्पड़ मारा है कांग्रेस ने, और यह बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।